न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। एमपी राजस्थान में मंगलवार तक भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल में 12 घंटे से 4 इंच पानी गिरा। प्रयागराज में बाढ़ से 50,000 छात्रों ने हॉस्टल छोड़ा। देश भर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। मौसम विभाग ने एमपी राजस्थान में मंगलवार तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी के कई जिलों में पिछले 48 घंटे से तेज बारिश हो रही है। भोपाल, जबलपुर, उमरिया, मंडला और डिंडोरी में सोमवार को स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। भोपाल में सुबह 8:30 बजे से रात 8:30 बजे तक 12 घंटे में 4 इंच से ज्यादा बारिश हो गई। यहां सीजन में बारिश का कुल आंकड़ा 56.44 इंच पर पहुंच गया है। 2016 में हुई पूरे सीजन में 56.58 इंच बारिश हुई थी, जो कि एक रिकॉर्ड है। यूपी के कई जिलों में भी ज्यादा बारिश का अलर्ट है। प्रयागराज जिले में गंगा किनारे के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। 50,000 छात्र लॉज छोड़कर चले गए। देश में बीते दिन की बारिश की स्थिति इस मैप के जरिए समझे। यह मैप भारतीय मौसम विभाग की वेबसाइट से लिया गया है। अब देश के अन्य राज्यों में बारिश की स्थिति जान लीजिए। मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर समेत कई जिलों में आज स्कूलों में छुट्टी। भोपाल में प्रशासन ने सोमवार को स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। भोपाल में मानसून की इस सीजन में अब तक 55 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। जबलपुर, उमरिया, मंडला और डिंडोरी में भी छुट्टी का ऐलान किया गया है। राजगढ़ के ब्यौरा में लगातार बारिश से हालत बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद नगर निगम, पुलिस और प्रशासन समेत अन्य टीमों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। रविवार तक करीब 25 से 30 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। राजस्थान में मंगलवार तक भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल में 12 घंटे में 4 इंच पानी गिरा। प्रयागराज में बाढ़ से 50,000 छात्रों ने हॉस्टल छोड़ा। देशभर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने एमपी राजस्थान में मंगलवार तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी के कई जिलों में पिछले 48 घंटे से तेज बारिश हो रही है। भोपाल, जबलपुर, उमरिया, मंडला और डिंडोरी में सोमवार को स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। भोपाल में सुबह 8:30 बजे से रात 8:30 बजे तक 12 घंटे में 4 इंच से ज्यादा बारिश हो गई। यहां सीजन में बारिश का कुल आंकड़ा 56.44 इंच पर पहुंच गया है। 2016 में पूरे सीजन में 56.58 इंच बारिश हुई थी, जो कि एक रिकॉर्ड है। यूपी के कई जिलों में भी ज्यादा बारिश का अलर्ट है। प्रयागराज जिले में गंगा किनारे के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। 50,000 छात्र लॉज छोड़कर चले गए हैं। देश में बीते दिन की बारिश की स्थिति इस मैप के जरिए समझे। यह मैप भारतीय मौसम विभाग की वेबसाइट से लिया गया है। मैप प्रतीकात्मक है। अब देश के अन्य राज्यों में बारिश की स्थिति जान लीजिए। भोपाल, जबलपुर समेत कई जिलों में आज स्कूलों में छुट्टी। भोपाल में प्रशासन ने सोमवार को स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। भोपाल में मानसून की इस सीजन में अब तक 55 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। जबलपुर, उमरिया, मंडला और डिंडोरी में भी सोमवार को स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। राजगढ़ का ब्यौरा में लगातार बारिश से हालात बिगड़े नजर आ रहे हैं। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद नगर निगम, पुलिस और प्रशासन समेत अन्य टीमों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। रविवार तक करीब 25 से 30 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। पिछले 24 घंटे के भीतर उमरिया में सबसे ज्यादा बारिश हुई। यहां पर 142 एमएम यानी करीब 6 इंच बारिश हो गई। सीधी में 4 इंच और गुना में 3 इंच के करीब बारिश हुई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी एप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडियाओं के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।